नमस्कार बच्चों, मेरे चैनल जगदीताई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा का पंचमा पाठ, पंडिता रमाबाई। तो बच्चों, सबसे पहले आप शब्दार्थ कर लिया करें, तो शब्दार्थ करने से आपको पाठ अच्छी तरह से समझ आएगा, मैं हमेशा यही कहती हूँ। तो आइए, चलिए शुरू करते हैं पाठ। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा का पंचम पाठ है पंडिता रमाबाई। तो बच्चों, शब्दार्थ कर लेते हैं। स्वमातु, अपनी माता से, विपनह, निर्धन, विपनह का मतलब होता है निर्धन, दुर्भिक्ष, पीड़िता, अकाल पीड़ित, दिवंगता, मृत्यु को प्राप्त हो गए, जो मर जाते हैं उसे दिवंगता बोलते हैं। उपाधि भ्याम, उपाधियों से प्रारब्धवती आरंभ किया, साधेक वर्षात, डेढ़ वर्ष, साध एक वर्षात, डेढ़ वर्ष, प्रत्य अगच्छत, लौट आई, अर्थ संचयम, धन संचय, प्रत्यय अगत, लौट कर, मुद्रणम, छपाई, टंकणम, टंकण, टाइपिंग बोलते हैं इसको, टंकणम को इंग्लिश में हम टाइपिंग बोलते हैं, निराश्रिता, बेसहारा, यापयंती, बिताती हैं, अवदानम, योगदान। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1898 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्र में सबसे आगे माने जाने वाली पंडिता रमाबाई 1898 ईस्वी में उन्होंने जन्म लिया। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता चा लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनकी पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थे, आस्ताम मतलब थे, दो जने हो गए, पिता अनंत शास्त्री और माता लक्ष्मीबाई, इसलिए आस्ताम आ गया। तस्मिन काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत। उस समय स्त्री की शिक्षा की स्थिति जो थी बड़ी चिंतनीय थी, दयनीय थी, अच्छी नहीं थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षण प्रायः प्रचलितम ना आसीत। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा जो थी प्रायः प्रचलित नहीं थी, किंतु डोंगरे रूढ़ी बद्धाम धारणाम परित्यज्य सपत्नीम संस्कृतम अध्यापत। लेकिन डोंगरे जी ने पुरानी रूढ़ीवादियों को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। एत्यर्थम सह समाजस्य प्रतारणम अपि असहत। तो इस वजह से, इस कारण उनको, इसलिए उन्हें समाज की प्रताड़ना भी सहनी पड़ी। अनंतरम रमा अपि समातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। और बाद में, अनंतरम मतलब बाद में, रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमया पिता विपने संजाता, और समय के साथ साथ रमया के पिता जो थे वो गरीब हो गए, निर्धन हो गए। और तस्या पितरो ज्येष्ठा भगनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। और उसकी जो बड़ी बहन थी वह अकाल के कष्ट से वो दिवंगत हो गई, यानी कि मर गई। तदंतरम रमा स्व ज्येष्ठ भ्राता से पदाभ्याम समग्र भारतम अभ्रमत। तब उसके बाद रमा अपने बड़े भाई ज्येष्ठ भ्राता के साथ पदभ्याम मतलब पैदल समग्र भारत में घूमी, और घूमते हुए भ्रमण क्रमे से कोलकाता
प्राप्ता और घूमते हुए वो कलकत्ता पहुंची। संस्कृत विदेशिणेन सा तत्र पंडिता सरस्वती च एति उपाधि भ्याम अभिषुता। और संस्कृत विदेशियों के द्वारा स तत्र वहां पर पंडिता तथा सरस्वती उपाधियों से उन्हें विभूषित किया। संस्कृत के जो विद्वान थे उन्होंने उसे पंडिता और सरस्वती नाम से विभूषित किया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेद्या अध्ययनम अकरोत्। वहीं पर उन्होंने ब्रह्म समाज में से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्री नाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षीय आंदोलनम प्रभावती। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेद्याधम वहां किया। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षीय आंदोलनम प्रारब्धवती। और उसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए स्त्रीणाम कृते वेदों और शास्त्रों के लिए शिक्षा का आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासिन से बागपुर न्यायालय विवाहम अकरोत। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बाकीपुर न्यायालय में विवाह किया। साधेक वर्षात अनंतरम तस्या पति दिवंगत। और सिर्फ एक डेढ़ वर्ष के बाद ही अनंतर मतलब बाद में तस्या पति दिवंगत उनके पति की मृत्यु हो गई। तदंतरम सह पुत्रा मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तब बाद में वो अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में वापिस आ गई। नारीणाम सामान्य शिक्षा च सा स्वकीयम जीवन अर्पितवती। और नारियों के सम्मान्य शिक्षा सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन अर्पित किया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती। और हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा के बारे में अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वो उच्च शिक्षा के लिए प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। उधर ईसाई धर्म के स्त्रियों के बारे में जो उत्तम विचार थे उससे वो प्रभावित हुई। देशात रमाबाई अमरीका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमरीका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थसंचयम अकरोत। वहाँ पर उन्होंने विधवा स्त्रियों के लिए उनकी सहायता के लिए अर्थसंचय यानी कि पैसे धन का संचय किया। भारतम प्रत्यागत मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापित। और फिर भारत वापिस आकर उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन आश्रमे निसहाया स्त्रिय निवसंती स्म। इस आश्रम में निसहाय स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्रिय मुद्रण टंकण काष्ठ कला आदि नाच प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म।
वहां पर स्त्रियां मुद्रण छपाई टंकण टाइपिंग और काष्ट कला लकड़ी की कला का प्रशिक्षण लेती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरम जातम, लेकिन फिर ये सदन जो है पुणे नगर में स्थानांतरित चला गया यानी कि स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगर से समीपे केड़गाम स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थान तया स्थापितम, और केड़गाम में ये मुक्ति मिशन नाम का संस्थान वहां स्थापित किया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रिये सस्मानम जीवनम याप्यन्ति। अत्र आज भी, यहाँ पर आज भी, अपि मतलब भी, अत्र अधुना अपि, यहाँ आज भी निराश्रित स्त्रियां सस्मान जीवनम याप्यन्ति, समान के साथ जीवन बिताती हैं, याप्यन्ति मतलब बिताती हैं। 1922 में ख्रीष्टापदे 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया निधन का निधन हो गया, निधनम अभवत। सा देश विदेशा नाम अनेकासु भाषासु निपुणा असीत, वो देश विदेश की कई भाषाओं में निपुण थी, उनको कई तरह की भाषाएं आ गई थी, क्योंकि वो इंग्लैंड भी गई अमेरिका भी गई, तो उनको कई तरह की संस्कृत तो उनको आती थी, हिंदी भी आती थी, तो इस तरह से उनको कई भाषाएं आती थी। समाज सेवा अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, तो उनका समाज सेवा के अतिरिक्त लिखने लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण अवदान है। स्त्री धर्म नीति यानी कि अवदान का मतलब होता है योगदान। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति तस्या प्रसिद्ध रचना द्वयम वर्तते, इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं भी हैं, वो हैं स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन, तो ये दो उन्होंने किताबें भी लिखी हैं। तो यहाँ पर आपका ये पाठ समाप्त होता है। हम आ जाते हैं अभ्यास कार्य के ऊपर। एक पदेन उत्तरत, एक ही शब्द में हमने इसमें उत्तर देना है। पंडिता सरस्वती इति उपाधि व्याम का विभूषिता, ये उपाधियां किन्हें मिली, का मतलब किनको मिली, तो रमाबाई। रमा कुतः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती, रमा ने किससे संस्कृत शिक्षा पाई, तो अपनी माता से। रमाबाई केन से विवाह अकरोत, रमाबाई ने किनके साथ विवाह किया, तो विपिन बिहारी दासेन। केन है तो उसके हिसाब से हम इसमें भी लगाएंगे, तो ये दासेन हो जाएगा। कासाम शिक्षाए रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, तो उन्होंने किनके, कासाम मतलब किनके शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया, तो स्त्रीणा। रमाबाई उच्च शिक्षार्थ कुत्र अगच्छत, उन्होंने ऊंची शिक्षा पाने के लिए कहाँ गई, तो वो इंग्लैंड देश में गई थी। तो अब हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर दो पर, रेखा कित पदानी अधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, तो हम ये इनका अब उत्तर दिए गए हैं, अब इनका हम प्रश्न बनाएंगे। तो हम जैसे रमया पिता समाजस्य प्रताड़नम असहत, तो किसके पिता, तो रमया के अकॉर्डिंगली हम उसका जो क्वेश्चन लगाएंगे वो ये लगाएंगे, कस्य किसके, रमया स्त्रीलिंग तो उसकी ही अकॉर्डिंग हम ये लगाएंगे कस्य पिता समाजस्य प्रताड़नम असहत। पत्यु मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत, तो किसके मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र आई, तो कस्य आ जाएगा। रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित, तो कहाँ इसमें आएगा, हम कहाँ पर उन्होंने स्थापित किया, क्योंकि मुंबई नगरे दिया तो कुत्र,
यहाँ आ जाएगा कुत्र। अब अगला है 1922 में ख्रिस्टापद रमाबाई महोदया निधनम अभवत, तो किसका, रमाबाई महोदया की जगह आएगा किसका निधन हुआ, तो उसमें कस्या आ जाएगा। कस्या स्त्रीलिंग, जैसे रम्या के साथ कस्या आया था ऐसे रमाबाई महोदया के साथ कस्या। अब स्त्रीय शिक्षा लभन्ते स्म, तो स्त्री में कौन शिक्षा पाते थी, तो कह का जो है वो बहुवचन इस तरह से लिखा जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 3 पे आ जाते हैं, ये विस्तार पूर्वक लिखने हैं आपको। रमाबाई किमर्थम आंदोलन प्रारब्धवती, रमाबाई बालिका नाम स्त्री नाम च कृते संस्कृत से वेद शास्त्री अधिक से च शिक्षाए आंदोलन प्रारब्धवती, तो उन्होंने संस्कृत और वेद शास्त्र के लिए जो है शिक्षा आंदोलन प्रारंभ किया। निसाय स्त्रियां आश्रम किम किम लभन्ते स्म, निसाय स्त्रियां आश्रम में क्या क्या शिक्षा पाती थी। निसाय स्त्री आश्रम में मुद्रण टंकण काष्ठ कला आदि प्रशिक्षण लभन्ते स्म, कस्मिन विषये रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति, स्त्री शिक्षायां समाज सेवा च रमाबाई महोदया योगदान अस्ति, स्त्री शिक्षा और समाज सेवा का जो है रमाबाई महोदया का योगदान है, में उनका ये योगदान है। केन रचना द्वेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, किन रचनाओं में रमाबाई की प्रशंसा होती है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति रचना द्वयेन प्रशंसिता वर्तते, इन दो पुस्तकों में उनकी प्रशंसा होती है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। अब अधोलिखितानां पदानां निर्देश अनुसार पद परिचय लिखत, तो अब इसमें इनका हमने पद परिचय लिखना है। तो वो ये है, पदानी मूल शब्द लिंगम विभक्ति वचनम, ये सब हमें बताने हैं। तो ये जो शब्दियों में वेदानाम वेद, जैसे पुलिंग स्त्रीलिंग बहुवचन, तो पिता पित्री पुलिंग प्रथमा एकवचन, शिक्षाए शिक्षा स्त्रीलिंग चतुर्थी एकवचन, कन्या कन्या मेन शब्द है, मूल शब्द जो है वो है कन्या, तो ये कन्या बहुवचन हो गया। तो स्त्रीलिंग तो है प्रथमा द्वितीय द्वितीय दोनों में ये होती है, और बहुवचन नारी नाम नारी स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन, मनोरम्या मनोरम स्त्रीलिंग तृतीय एकवचन। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। आते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। अधोलिखितानां धातूनां लकारं पुरुषं वचनं लिखत, अब इसमें हमें धातु लकार पुरुष और वचन बताने हैं। तो धातु क्या है, जैसे आसीत में अस धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। अब इसमें आपको लकारों का ज्ञान होना चाहिए। लकार वैसे 10 तरह के होते हैं, पर 5 तरह के लकार जो हमें प्रयोग में आते हैं वो हमारे 5 तरह के लकार होते हैं। लट लकार लिट लकार लोट लकार लंग लकार, इस तरह से 5 तरह के लकार होते हैं। तो अब हमें उसमें से बताना है कि इसमें कौन सा लकार है। तो इसमें आसी कुर्वंती में क्री धातु है, लट लकार है, कुर्वंती कृति कुर्वत कुर्वंती, तो ये क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन बहुवचन, ये बहुवचन है कुर्वंती बहुवचन। अगच्छत आ गम गम धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन। निवसंती नी प्लस वस लट लकार प्रथम पुरुष
बहुवचन गमिष्यति, गम धातु है, लृट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन, अकरोत क्री लंग प्रथम पुरुष एक वचन। तो ये इस तरह से आपको बताना है कि उसमें अकरोत में क्या धातु है और उसका लकार कौन सा है। अ लग गया है इसलिए पास्ट टेंस हो गया, ये लंग लकार पास्ट टेंस होता है, ये लृट लकार भविष्यत काल होता है, भविष्यत फ्यूचर फ्यूचर टेंस को लृट लकार बोलते हैं, लट लकार प्रेजेंट टेंस होता है, ये भी लंग लकार है, लंग लकार पास्ट टेंस, लट लकार प्रेजेंट टेंस। तो अब इसमें आप आ जाते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रम अनुसार लिखत। तो अब इसको हमने ये ऊपर नीचे लिखे गए हैं इनको हमने घटना क्रम के अनुसार लिखना है। तो उसमें है इसमें 1858 तमे खिष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत, ये एक हो गया। और फिर उसके बाद नंबर 2 पे सस्व मातु संस्कृत शिक्षणाम प्राप्तवती, फिर तीसरा हो गया रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन से विवाह अभवत, फिर उसके बाद सा उच्च शिक्षा अर्थम इंग्लैंड देशम गतवती, उसके बाद है सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थाप्यत, फिर उसके बाद है 1922 तमें ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत, 1922 तमें ख्रीष्टाब्दे के ईस्वी में उनका निधन हो गया, उनका देहांत हो गया। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 6। तो बच्चों पाठ यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ अपने सहपाठियों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे जो मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें क्योंकि आपका ऐसा करने से हमारा उत्साह बना रहता है और हम और आगे और मेहनत से इस पर काम करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।